हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। आज हम आपके लिए लेकर आए सेकंड वीडियो ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, डिस्कस किया था कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या चीज़ है, क्या भला है, क्या किस तरीके से इसका फॉर्मेट हम लोग एडजस्टमेंट में करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन और किस तरीके से हम इसमें अमाउंट्स को फिलअप करते हैं, कैसे इसकी सिंगल एंट्री को पास करते हैं और किस तरीके से ये ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया। अब आज इस सेकंड वीडियो से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्यूशन का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि मैं आपको अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग स्टाइल्स के क्वेश्चंस कराऊंगा ऑन द बेस ऑफ पास एडजस्टमेंट। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। रोज एंड लिली आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। Interest on capital had been provided at 10% instead of 5% pass and investment entry. Last session में बताया था आपको कि मैं इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि प्रॉफिट को रॉन्गली रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस और एक्सेस दे दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिशन हो गया। तो उस सीरीज में हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट में गड़बड़ है। क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड एट 10% इंस्टेड ऑफ 5%। 10% दे दिया 5 के बदले, दैट मींस आपने 5% का इंटरेस्ट ज्यादा पार्टनर्स को दे दिया। तो मैं आपको इसका सबसे शॉर्ट तरीका जो है कराने का वो बताऊंगा कैसे करते हैं। देखिए, आप ये देखिए कि आपको 10% की जगह 5% दे दिया, दैट मींस 5% देना था, दे दिया गलती से 10% का इंटरेस्ट, दैट मीन 5% इंटरेस्ट आपने एक्स्ट्रा दे दिया। तो आप ये अज्यूम करिए, प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं, अगर किसी पर्सन को आपने पैसे ज्यादा दे दिए, अगर आपको देने थे किसी को 1000 रुपए और आपने उसको गलती से दे दिए 1500 रुपए, तो आप क्या करेंगे उससे? या तो आप उससे पूरे 1500 रुपए वापस लेंगे और उसमें से 500 हटाएंगे, 1000 उसको देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। शॉर्ट क्या है कि उससे आप कहो, भाई आपके पास 1500 रुपए चले गए, देने थे 1000 रुपए, तो आप 500 मुझे वापस दे दीजिए, तो आप उससे 500 रुपए आप वापस ले लेंगे। वही काम यहां करना है। आपने पार्टनर से कहा कि भाई साहब 5% एक्स्ट्रा चला गया है, उस एक्स्ट्रा 5% को आप वापस करिए। तो आइए, आप यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड इन एक्सेस ऑफ 5%। 5% से ज्यादा आपने दे दिया है, तो 5% जो इसको लेके आइए, कैपिटल कितनी है, 3 लाख 2 लाख, तो 3 लाख जो रोज की कैपिटल है उस पर 5% कितना हो गया बेटा, रोज की कैपिटल पे 15,000 रुपीज का इंटरेस्ट आपने एक्स्ट्रा दे दिया रोज को। आप जानते हैं, हमने बताया है कि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट करते हैं, दैट मींस उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो उनकी कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं ताकि वो कैपिटल इंक्रीज हो जाए। अभी हम उनसे वापस ले रहे हैं तो घटानी है, तो कम करने के लिए हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। तो यानी कि यहां पर हम 15,000 से रोज को क्या करेंगे बेटे, डेबिट कर देंगे 15,000। सिमिलरली 5% ऑफ 2 लाख रुपीज, लिलीज कैपिटल 2 लाख, सो द अमाउंट विल बी रुपीज 10,000। 5% ऑफ 2 लाख, 10,000, टोटल कितना हुआ, 10 + 15, इट विल बी 25,000। फर्म में क्रेडिट हो जाएगा 25,000 रुपीज, क्योंकि पार्टनर्स ने वापस दिया है फर्म को जो एक्सेस 5% बांटा था। अभी आप यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट 50,000 रुपए था और उस 50,000 में से आपने जो इंटरेस्ट देने के बाद आपने 50,000 रुपए बांटा है, या यूं मानिए प्रॉफिट था आपके पास 1 लाख रुपीज और आपने इंटरेस्ट दिया 10% के हिसाब से 10, 30 और 20 हजार रुपए, 1 लाख में से 50,000 आपने एज अ इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बाकी बचा 50,000 का प्रॉफिट, वो आपने अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सही है, ये आपने किया जो गलत था। सही क्या था, इंटरेस्ट बनता था 25,000 रुपए आपका, तो 1 लाख - 25,000 प्रॉफिट बचता 75,000, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे। लेकिन आपने क्या किया, गलती कर दी, 50,000 इंटरेस्ट बांट लिया, 50 का प्रॉफिट बांट लिया, 25,000 का प्रॉफिट कम बांटा, इसीलिए वो 25,000 हमने वापस ले लिया है और इस 25,000 रुपए को हम एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए
यहां टोटल करिए आप, फर्म को टोटल करिए, फर्म क्रेडिट साइड में आ रही है 25,000 और डेबिट में कुछ भी नहीं है। डेबिट में क्या आ जाएगा बेटा, 25,000 रुपये आ जाएगा, यही 25 जो इंटरेस्ट का वापस लिया है। इसको हम ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट करेक्टली क्रेडिटेड ठीक है। रेशियो क्या है बेटा इनकी, इक्वल रेशियो है। तो इस 25,000 को जब हम बांटेंगे इक्वल रेशियो में तो कितना आएगा बेटा, 12,500 एंड 12,500 आ गया। सिंपल फर्म कहता क्या हो गई, इक्वल हो गई फर्म, फर्म क्लोज हो गई खत्म। बट ये पार्टनर्स को हमें क्लोज करना है, इन्हें इक्वल करना है बोथ साइड से। रोज को लेते हैं पहले, रोज देखिए क्रेडिट डेबिट साइड में 15,000 है और क्रेडिट साइड में 12,500 है। दैट मींस डेबिट साइड ज्यादा है, बताया था मैंने आपको, अगर ये साइड एक्सेस आएगी तो बैलेंस यहां बचेगा, कितना बचेगा बेटा 2,500। और इस बैलेंस को आप यहां क्रॉस ट्रांसफर करेंगे 2,500, और ये डेबिट साइड में तो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। टोटल कितना हो गया, 15,000 हो गया इसके दोनों साइड से। अब आइए लिली के ऊपर, लिली कितना है, डेबिट 10,000 क्रेडिट में 12,500, दैट मींस क्रेडिट साइड क्या है, ज्यादा है 12,500। तो बेटा बैलेंस क्या बचेगा यहां से, डेबिट साइड में कितना 2,500। इसको क्रॉस ट्रांसफर करेंगे यहां 2,500 क्रेडिट साइड में, तो ये क्रेडिट हो जाएगा ठीक है, इक्वल हो गए दोनों साइड, 12,500 12,500। मैंने बताया था आपको ये जो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, ये 2,500 2,500, इसे हम क्या कहते हैं बेटे, इसे हम बोलते हैं नेट एफेक्ट। ये जो हमने टोटल किया है इसे टोटल, और जो नीचे निकाला है इसे हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट टू बी मेड ठीक है बेटे, सही हो गया। अब यहां पर इसके बेस पर एंट्री पास कैसे करेंगे, देखो रोज का है डेबिट और लिली का क्रेडिट, तो यहां पर एंट्री पास हो जाएगी रोज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लिलीज कैपिटल अकाउंट, लिलीज कैपिटल अकाउंट अमाउंट विल बी 2,500 एंड 2,500। द नरेशन विल बी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, दैट्स ऑल। इतना सिंपल है ये, जब आप एक्सेस और लेस इंटरेस्ट किसी को दे देते हैं, यहां पर एक्सेस इंटरेस्ट था तो हमने वापस ले लिया। अगर इसका उल्टा होता, अगर हम उसको लेस इंटरेस्ट देते तो हमें इंटरेस्ट और देना पड़ता तो हम क्रेडिट कर देते। मैं आगे उसका भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो इसमें इतना ही। थैंक यू।